जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में वहां पे जितने भी हिंदू हैं सभी को पलायन किया जा रहा है। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में मुस्लिमों का देश है, लेकिन दोस्तों वहां पे जो भी बचे हिंदू हैं सभी को मुस्लिम बनाने का वहाँ पे प्रयास किया है, या फिर दोस्तों सभी हिंदुओं को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही विडंबना की बात है, वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं सभी लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। जरा आप सोचिए दोस्तों उनके बारे में, किस प्रकार वहाँ पे वो अपना जीवन को बिता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने हाल ही में न्यूज सुना है कि वहाँ पे जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम है हिंदुओं को बहुत ही तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, और घर में घुसकर उनका इज्जत लूटा जा रहा है, घर को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी हिंदू का दुकान है सभी को लूटा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि दोस्तों अभी के दौर में देखा जाए तो बहुत बड़ा गुरु है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पे बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हुए बोले कि बांग्लादेश के जितने भी हिंदू है उन पे अत्याचार किया जा रहा है, ये कभी भी बख्शा नहीं जाएगा और यह गलत किया जा रहा है। और दोस्तों उन्होंने भारत की सरकार से बोला कि बॉर्डर पर जितने भी आ गए हैं बांग्लादेशी हिंदू सभी को भारत में ले लिया जाए, बुलाया जाए, भारत के बॉर्डर को खोल दिया जाए ताकि वहां के हिंदू सुरक्षित हो सके और भारत में अच्छा से रह सके, शांति से रह सके। जरा आप सोचिए दोस्तों कितना उन लोगों को तकलीफ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी भी इस पे एक्शन लिया है, योगी आदित्यनाथ भी एक्शन लिए हैं, और देवकी नंदन ठाकुर जी भी इस पे एक्शन लिया है। दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि हमारे धर्मात्मा लोग इस पे एक्शन लिए हैं। दोस्तों यहाँ के कुछ ऐसा नेता है जो कि बांग्लादेश से हिंदू को आने के लिए मना कर रहे हैं, क्यों पता है? दोस्तों उन लोग सोचता है कि कहीं मोदी का वोट बढ़ ना जाए, उन बांग्लादेशी हिंदू को आने से रोका जा रहा है। जरा आप सोचिए दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं कि यदि कल हो कि आप यदि नहीं जागिएगा, हिंदू नहीं जागेगा, तो बहुत ही दिक्कत होगा। कल हो कि भारत में भी ऐसे ही होगा, जिस तरह बांग्लादेश में लोग हिंदू इस प्रकार झेल रहे हैं उस तरह से हमारे भारत में भी झेलना पड़ेगा। और फाइनली दोस्तों इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा फैला दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर इंसान जाग सके, हर हिंदू जाग सके। और हमारे हिंदू भाइयों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट में बताइए, और मोदी से आप क्या मांग करते हैं, बागेश्वर धाम के बाबा से क्या प्रायल लेना चाहते हैं वो कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।